गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम है आपका विद्याविहार स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर 4 जिसका नाम मल्टीप्लिकेशन है उसकी एक्सरसाइज 4A को यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा बताते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसका दूसरा नाम जैसे मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट, ये इसके कॉमन नाम है। अगर कहीं आ जाता है फाइंड द प्रोडक्ट तो आप डिस्टर्ब ना हो, ये इसी प्रकार होते हैं। और जैसा कि आपने किया हो कि इसमें प्रोडक्ट मतलब होता है कोई चीज़ बनना। कब बनती है? जब उन दोनों के पीछे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए 6 × 7 लिखा है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसको मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। तो 6 × 7 हमेशा हमें इसके जो जैसे ये सिंगल डिजिट का है, 2 डिजिट मान लीजिए 26 था, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है वो यूनिट डिजिट से यानी लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो 7 का हम क्या करेंगे, 6 टाइम टेबल को स्टडी करते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, टेबल को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप क्लास 4th के स्टूडेंट हैं तो लगभग ये मान लीजिए आपको कम से कम 20 तक तो आपको टेबल्स आनी ही चाहिए, तब आप एक बेटर स्टूडेंट की तरह आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने ये आपने सीखा हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने ऐसा कुछ किया था। 7 × 6 = 42 7 × 6 times तो 42 आता है। अब 42 तो ऐसा होता है, लेकिन सर ने ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि इसका यूनिट डिजिट नंबर लिखा जाता है और जो 10th प्लेस पर होता है वो इसके क्वेश्चन के सेकंड प्लेस के कैरी पे आ जाता है। 7 × 2 = 14 तब उसमें ये ऐड हो जाएगा तो 18 हो गया। ठीक है, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स है इस एक्सरसाइज में, और ये टोटल 6 क्वेश्चन है तो मैं पूरों को उतार देता हूँ यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स, ये प्रॉपर्टी बेस दिए होते हैं। पहला है ए 419 × 0 तो बराबर में क्या आएगा, और यहाँ पर है बी 3391 × किसका करें कि आंसर 0 आए। ऐसे इसका सी और दिया है 28 × 167 = 167 क्या आएगा, और डी जो है वो दिया है 4291 किसका करें के 928 × 4291 आए। दो और बचे हुए तो उतार ही लेते हैं उनको। हाँ, ई काफ़ी बड़ा है तो देखते हैं 235 × 413 × 644 = 235 को ब्रैकेट में लिख लिया है और मल्टीप्लाई कर दिया डैश और बाहर 644 को इनने नोट कर दिया है। ऐसे ही एफ और है 60 × 25 + और इधर लिखा है 60 × 25 + 60 × 68। आइए मैं इनको कराना था आपको। उससे पहले मैं दो चीज़ आपको इस जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यदि 1 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा वही नंबर आता है जिसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ 1 आंसर नहीं आएगा। मान लीजिए आप 8 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आंसर आएगा। मान लीजिए आप 624 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 624 ही आएगा, यानी वही नंबर आ जाता है। और 0 की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आप 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो जो नंबर है वो खुद 0
हो जाता है। यानी जीरो का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा ऑलवेज वी वी गेट जीरो, तो हमेशा हमें जीरो प्राप्त होगा। अब हम इसके क्वेश्चन को कुछ करने के देखते हैं। 419 में जीरो का हमने मल्टीप्लाई किया तो भी मैंने जस्ट बताया था आपको जीरो ही आएगा। 3391 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि आंसर जीरो आए, तो यहाँ भी जीरो का ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो इंटरचेंज करने वाली है कि 28 मल्टीप्लाई 167 को 167 मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसमें ये मिस है तो ये लिख सकते हैं। ऐसा ही ये वाला है कि 4291 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल में 928 एंड 4291 के इक्वल हो, तो यहाँ पर 928 बिना ज़्यादा दिमाग का यूज़ किए आप लिख सकते हैं। ये भी इसकी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसके मिसिंग चीज़ होती है कोई भी है, जैसे 235 यहाँ है, 235 यहाँ भी हो गया, बड़ी अच्छी बात है। 644 है, 644 यहाँ भी है, ये भी बिल्कुल मिल गया, लेकिन ये नहीं है तो हम इसको सीधा सा यहाँ पर लिख देंगे। तभी तो ये दोनों साइड की चीज़ इक्वल होंगी क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये थोड़ा इन लीक से हटकर क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि ये 60 मल्टीप्लाई 25 यहाँ प्लस का साइन लगा है, तो क्या सेकंड प्लेस ही प्लस का साइन लगा है? हाँ लगा है। तो एक बार 60 का मल्टीप्लाई इससे हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन लगा है, और एक बार 6 का मल्टीप्लाई इससे हुआ होगा 16 का, तो देखते हैं 16 के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 68, यानी यहाँ पर 68 रहा होगा। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 4A जो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वो कंप्लीट होती है। जल्दी आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 4B के लेकर।